बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं नूरतराम रोलीर, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। आपको बता दें कि लॉकडाउन कल 31 मई को समाप्ति की ओर है। आपको बता दें कि देश में 4 लॉकडाउन लग चुके हैं और चारों लॉकडाउन की समाप्ति कल 31 तारीख को हो रही है, 31 मई को हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि क्या 5वां लॉकडाउन भी लगेगा, लॉकडाउन 5 भी आएगा, इस बात को लेकर अभी भी चर्चा जो है काफी ज्यादा सुर्खियों में है। अभी तक ये तो प्रधानमंत्री ही तय करेंगे कि 5वां लॉकडाउन है वह लागू होगा या नहीं होगा, लेकिन 5वें लॉकडाउन को लागू करने या उससे संबंधित बातें करने के लिए आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने काफी कुछ बातें प्रधानमंत्री को बताई है। तो यानी कि उससे यह समझा जा रहा है कि देश के अंदर लॉकडाउन 5 भी लगेगा और कल प्रधानमंत्री की तरफ से इस मामले में गाइडलाइन आगे की वो जारी की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि 5वां जो लॉकडाउन है वो 2 हफ्ते के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी 14-15 दिनों के लिए और इसको आगे किया जा सकता है। कुल मिलाकर देश के अंदर लॉकडाउन का जो है काल काफी लंबा होता चला जा रहा है। आपको बता दें कि देश के अंदर इस समय जो प्रवासी मजदूर है उनकी भी हालत काफी ज्यादा गड़बड़ा चुकी है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था देश की है वो चौपट होती नजर आ रही है। पूरी तरीके से हम देखने की कोशिश करें तो कारोबार से लेकर आम आदमी भी इस तरीके से अभी बहुत ज्यादा परेशानियों से गुजर रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि सड़क पर मजदूर तो किसान जो है वो खेतों के अंदर टिड्डी दल से लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूर अपने सड़कों पर घर जाने के लिए लड़ रहे हैं और जो जवान है वो सेना पर लड़ रहे हैं और अर्थव्यवस्था से पूरा देश जूझ रहा है। जितने भी लोग जो अलग अलग धंधे व्यवसाय करते थे वो भी अब बंद होने और चपेट में आ चुके। छोटे छोटे जो व्यवसायी थे, जो छोटे छोटे उद्योगी थे, उनके भी आपको बता दें कि इस लॉकडाउन की वजह से काफी ज्यादा मार पड़ी है और सरकार की अभी तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी जो है वो बड़ा पैकेज वो नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति ने सुसाइड नोट लिखा था और कल सुसाइड किया था, ट्रेन के आगे कटकर मर गया था। वो सुसाइड जो नोट है उसकी बातें के अंदर की सरकार को पढ़ना चाहिए। आपको बता दें कि सुसाइड नोट के अंदर उन्होंने लिखा था कि सरकार गेहूं तो दे रही है लेकिन गेहूं के साथ भी बहुत कुछ चाहिए। गेहूं के साथ चाय भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, हल्दी भी चाहिए, मिर्च भी चाहिए, धनिया भी चाहिए और नमक भी चाहिए। इसकी व्यवस्था गरीब मजदूर में आखिर कहां से करूं? उन्होंने कहा कि मैं जो है काफी समय से बीमार था और मैं जैसे तैसे करके नौकरी करके अपना खुद का इंतजाम करता था, दवाई का अपनी माँ का इलाज करवाता था, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद अब हॉस्पिटलों के अंदर रेट बहुत ज्यादा हो चुकी है और मैं उनका इलाज है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, ना मैं खुद का इलाज करवा पा रहा हूँ। इसके चलते ना मुझे कहीं नौकरी मिल पा रही है और लॉकडाउन कितने दिन तक रहेगा मुझे नहीं पता। इस वजह से मुझे पूरी तरीके से मैं अपनी माँ की तकलीफ को नहीं देख सकता, इसलिए मैं अपने आप की जान देता हूँ। ये सुसाइड नोट आपको बता दें कि लिखकर सोशल मीडिया पर यह सुसाइड नोट काफी ज्यादा वायरल है और इसके करने के बाद युवक ने आत्महत्या कर ली थी। तो यानी कि देश के प्रधानमंत्री को अब सोचने की जरूरत है और अब किसी भी तरीके का ये आर्थिक पैकेज या अलग अलग चीजें देने के बजाय अगर देश की जनता के डायरेक्ट आर्थिक मदद अगर उनकी नहीं की जाती तो आगे आने वाले दिनों के अंदर गरीब पिछड़े मजदूरों की काफी ज्यादा दुर्दशा होती नजर आ सकती है और इस बारे में केंद्र की सरकारों को सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलेंगे इस नए वीडियो और नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल।